आज अपन पढ़ रहे हैं बीएससी सेकंड ईयर का फर्स्ट चैप्टर है संक्रमण तत्व या डी ब्लॉक तत्व। तो पहला टॉपिक है संक्रमण तत्वों का परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। आधुनिक आवर्त सारणी के अंदर जो संक्रमण तत्व हैं या डी ब्लॉक तत्व हैं, एस ब्लॉक व पी ब्लॉक तत्वों के मध्य वर्गीकृत हैं, और नीचे सबसे अलग ए ब्लॉक तत्व वर्गीकृत हैं। डी ब्लॉक तत्वों को क्या कहते हैं? संक्रमण तत्व भी कहते हैं। डी ब्लॉक तत्व ये स्पष्ट चार भागों से मिलकर बनती हैं। आरंभ के दो स्तंभों का बना एस ब्लॉक, मध्य के 10 स्तंभों का बना डी ब्लॉक, अंतिम 6 स्तंभों का बना पी ब्लॉक, तथा नीचे 2 श्रृंखलाओं का बना ए ब्लॉक। इन ब्लॉक के नाम इसलिए दिए गए क्योंकि इनके तत्वों में प्रवेश करने वाले अंतिम इलेक्ट्रॉन क्रमशः एस पी डी एंड एफ को में प्रवेश करते हैं। एस ब्लॉक के सभी तत्व प्रबल विद्युत धनीय धातु हैं। डी ब्लॉक के सभी तत्व धातु हैं, लेकिन इनकी विद्युत धनीयता अपेक्षाकृत कम है, जबकि पी ब्लॉक तत्वों में अधात्विक विद्युत ऋणीय गुण अधिक प्रबल हैं होते हैं। हैलोजन तो अत्यधिक क्रियाशील अधातु हैं। डी ब्लॉक धातुओं को एस ब्लॉक के पश्चात रखते हैं। आरंभिक डी ब्लॉक धातुएं ब्रैकेट के अंदर एनक्लोज है, स्कैंडियम, येट्रियम, लैंथेनियम व एक्टिनियम, जो एस ब्लॉक के निकटवर्ती हैं, भी प्रबल विद्युतनीय धातुएं हैं। डी ब्लॉक में दाईं ओर चलने पर ये दोनों गुण कम होने लगते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप डी ब्लॉक के अंतिम तत्व जिंक, कैडमियम और मरकरी तथा उनके एकदम बाद में आने वाले पी ब्लॉक के तत्व गैलियम, इंडियम तथा हेलियम विद्युत धनीयता तथा धात्विक गुणों में काफ़ी मेल खाते हैं। गुणों का एक स्थिति से दूसरी स्थिति में स्थानांतरण संक्रमण ट्रांजिशन कहलाता है। अब तक डी ब्लॉक तत्वों को संक्रमण तत्व भी कहा जाता है, क्योंकि ये तत्व किसी आवर्त में विद्युत धनीय तथा धात्विक गुणों को एक छोर से दूसरे छोर को स्थानांतरित कर देते हैं। तृतीय कोश में सर्वप्रथम डी कक्षक प्रकट होते हैं। थ्री डी कक्षकों के भरने से प्राप्त तत्वों की श्रेणी प्रथम संक्रमण श्रेणी कहलाती है। थ्री डी कक्षकों की ऊर्जा फोर डी कक्षकों से अधिक होती है, अतः चतुर्थ आवर्त में 4s कक्षक के भर जाने के उपरांत 3d कक्षक भरने लगते हैं, जिससे प्रथम संक्रमण श्रेणी चतुर्थ आवर्त में पड़ती है। इसी प्रकार 4d, 5d, 6d कक्षकों के भरने से क्रमशः द्वितीय, तृतीय तथा चतुर्थ संक्रमण श्रेणियां प्राप्त होती हैं, जो क्रमानुसार 5वें, 6ठे, 7वें आवर्तों में पड़ती हैं। ये श्रेणियां सारणी 1.2 में दिखाई गई हैं। ये आपको सारणी दी हुई है। एस ब्लॉक एलिमेंट है सर्वप्रथम, जिसमें 2 वर्ग हैं, फर्स्ट एंड सेकेंड है। फिर डी ब्लॉक है, जो थर्ड बी से स्टार्ट हो रहा है और सेकेंड बी पे ख़त्म हो रहा है, और फिर पी ब्लॉक है, और लास्ट में दिया हुआ है ए ब्लॉक एलिमेंट, लैंथेनाइड, एक्टिनाइड दिए हुए हैं। आवर्त सारणी का डी ब्लॉक संक्रमण श्रेणियां 4 प्रकार की होती हैं। प्रथम संक्रमण श्रेणी, द्वितीय संक्रमण श्रेणी, तृतीय संक्रमण श्रेणी और चतुर्थ संक्रमण श्रेणी। अभी टेबल दी हुई, आवर्त स्टार्ट होते हैं 4th आवर्त से लेकर 7th आवर्त दी हुई, 4th, 5th, 6th, 7th कक्षक हैं। चतुर्थ आवर्त 3d कक्षक से, और 5th आवर्त 4d, और 6th आवर्त 5d, और 7th आवर्त 6d। संक्रमण श्रेणी पास 2nd, 3rd और 4th दी हुई। पर संक्रमण श्रेणी स्टार्ट हो रही है 3rd बी से लेके 1st बी तक हैं। स्कैंडियम 21 से लेके कॉपर 29 तक हैं।
द्वितीय संक्रमण श्रेणी स्टार्ट हो रही है ट्रेन 39 से AJ 47 तक, और पांचवी संक्रमण श्रेणी स्टार्ट हो लेंथ एन 57 से, बीच में हाफनियम 72, बीच में 57 से 72 के बीच में 58 से लेके 71 तक लेंथ है नाइट धातु एम, फिर 72 से लेके 79 तक वापस पांचवी संक्रमण श्रेणी। छठी है एक्टिनियम 89, फिर अदर पोडियम 104 से लेके इसमें दी हुई है 110 अन निल। तो 89 90 से लेके 103 तक क्या है एक्टिनरी तत्व है, तो उपयुक्त श्रेणियों में से प्रथम द्वितीय तृतीय श्रेणियां तो पूर्ण है तथा उनके सभी तत्व ज्ञात हैं, लेकिन चतुर्थ श्रेणी जो मुख्यतः मानव द्वारा प्रयोगशाला में संश्लेषित तत्वों से निर्मित है अब भी अपूर्ण है। ये तत्व अत्यधिक अस्थायी हैं। सभी संक्रमण श्रेणियां थर्ड बी वर्ग से आरंभ होकर फर्स्ट बी वर्ग के सदस्यों में समाप्त हो जाती हैं। सेकंड बी वर्ग के तत्वों को संक्रमण तत्व न मानने के कारण इन्हें संक्रमण श्रेणियों में सम्मिलित नहीं किया गया है। संक्रमण तत्वों का एक विशिष्ट गुण ये है कि रासायनिक बंध बनाने में ये अपने डी कक्षकों को काम में लेते हैं। इसी आधार पर संक्रमण तत्वों की सर्वाधिक मान्य परिभाषा दी गई है, जिसके अनुसार ये वे तत्व हैं जिनमें परमाणु अवस्था में या उस तत्व के किसी सामान्य ऑक्सीजन अवस्था में डी कक्षक आंशिक रूप से भरे हों। दूसरे शब्दों में किसी तत्व की परमाणु या सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था में किसी भी एक अवस्था में यदि उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास D1 से लेकर D9 है तो वह संक्रमण तत्व कहलाएगा, लेकिन D0 या D10 विन्यास होने पर उसे संक्रमण तत्व की श्रेणी में नहीं रखा जा सकेगा। इससे स्पष्ट है कि S ब्लॉक धातु संक्रमण धातु नहीं है, क्योंकि इनमें डी कक्षक पूर्णतः रिक्त होते हैं। D0 विन्यास डी ब्लॉक में N-1 डी कक्षक थर्ड बी वर्ग से बढ़ना आरंभ यानी D1 करते हैं, अथा इन डी कक्षकों के पूर्ण बढ़ जाने यानी D10 तक इनमें इलेक्ट्रॉन बढ़ते चले जाते हैं। फलत है थर्ड बी वर्ग के सदस्य स्केंडियम है, येट्रियम है, लेंथेनियम है, एक्टिनियम संक्रमण श्रेणियों के प्रथम सदस्य हैं। परमाणु अवस्था में D1 विन्यास है। थर्ड बी से 8B वर्ग के सभी तत्व संक्रमण तत्व हैं, क्योंकि इनमें N-1 डी कक्षक आंशिक रूप से भरे होते हैं। D1 से लेकर D9 विन्यास है। पैलेडियम विन्यास 4D10 तथा फर्स्ट बी वर्ग के तत्वों कॉपर Ag गोल्ड विन्यास N-1 D10 NS1। परमाणु अवस्था में डी कक्षक पूर्ण रूप से भरे होते तथा पी इनकी निम्न सामान्य ऑक्सीकरण अवस्थाओं में N-1 डी कक्षक आंशिक रूप से भरे होते हैं। पैलेडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिया हुआ है, कॉपर का दिया हुआ है। अब पैलेडियम की सामान्य ऑक्सीकरण पैलेडियम सेकंड है, कॉपर कॉपर सेकंड, Ag सेकंड और गोल्ड गोल्ड 3। नेक्स्ट टॉपिक संक्रमण तत्वों के सामान्य विशिष्ट गुण तथा उनके परिवर्तनमय क्रमता, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। संक्रमण धातुओं की विशेषताएं एक वर्ग से दूसरे वर्ग के लिए परिवर्तित होती तथा भी बहुत से भौतिक गुण तत्वों के इस समूह से जुड़े रहते हैं। उच्च घनत्व, छोटे परमाणु आकार, उच्च गलनांक तथा क्वथनांक, बहुत से उपसंयोजक यौगिक तथा रंगीन यौगिक बनाने की क्षमता तथा परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था, ऐसे भौतिक गुण हैं जो संक्रमण तत्वों के अतिरिक्त अन्य तत्वों द्वारा प्रदर्शित नहीं किए जाते। किसी संक्रमण श्रृंखला में सदस्यों के मध्य काफ़ी समानता पाई जाती है। संक्रमण तत्वों के रासायनिक गुणों के क्रमिक परिवर्तन में कोई नियमितता नहीं पाई जाती। ये गुण इतनी तेजी से परिवर्तित होते हैं कि श्रृंखला के आरंभ में अत्यधिक क्रियाशील तत्व होते हैं तथा अंत में लगभग
अक्रिय धातु में, प्लेटिनियम धातु में हैं। एक वर्ग में भी तत्वों के गुणों में महत्वपूर्ण असमानताएं देखने को मिलती है। इसी प्रकार की भिन्नता संक्रमण तत्वों की श्रृंखलाओं के आरंभ में आने वाले वर्गों में कम तथा अंत में आने वाले वर्गों में अधिक देखने को मिलती हैं। तत्वों के गुण मुख्यतः उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तथा उनके आकार पर निर्भर करते हैं। सभी संक्रमण तत्वों में यदि बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2 अपरिवर्तनीय मान लिया जाए तो इन तत्वों के गुणों में परिवर्तन मुख्य रूप से इनके परमाणुओं के आकार में परिवर्तन पर निर्भर करेंगे। इस प्रकार संक्रमण तत्व अपने पड़ोसी तत्वों से गुणों में किस सीमा तक भिन्न है इस बात का अनुमान कम से कम संक्रमण तत्वों के लिए सबसे आवश्यक शर्त क्या है? N-1d कक्षक आंशिक रूप से अपूर्ण या खाली होने चाहिए। कम से कम एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होना चाहिए N-1d कक्षक के अंदर। तो जिस तत्व में या परमाणु में परमाणुक अवस्था या ऑक्सीकरण अवस्था के अंदर N-1d कक्षक में कम से कम एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है अर्थात आंशिक रूप से अपूर्ण है तो वह क्या कहलाएगा? संक्रमण तत्व कहलाएगा। अब डी ब्लॉक तत्व का परिभाषा क्या होती है? डी ब्लॉक तत्व की परिभाषा ऐसे तत्व जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन N-1d कक्षक में प्रवेश करते हैं वो क्या कहलाते हैं? डी ब्लॉक तत्व कहलाते हैं। अब डी ब्लॉक तत्व के लिए आवश्यक शर्त यह नहीं है कि उसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो या नहीं हो। जैसे जिंक, कैडमियम, मर्करी हैं तो उसमें N-1d कक्षक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है फिर भी डी ब्लॉक तत्व कहलाता है लेकिन वो संक्रमण तत्व नहीं है। संक्रमण तत्व के लिए सबसे आवश्यक शर्त क्या है? N-1d कक्षक आंशिक रूप से अपूर्ण है, कम से कम एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। ये उसकी सबसे मुख्य आवश्यक शर्त है।